नमस्कार दोस्तों, काफी बार प्रयास करने के बाद भी हम वो रिटर्न नहीं पाते, बिजनेस हो चाहे सर्विस हो, तो जो हम अपेक्षा करते हैं वो रिटर्न जब अपने को नहीं मिलता है तो आप कई बार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं ये सोचने के ऊपर कि बहुत कुछ मेहनत करता हूं, सारे उपाय कर लिए मगर फिर भी मेरा लक साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही। ऐसे कई बार आपके सवाल होते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही, तब क्या करना चाहिए। सॉरी, आदमी कोई भी बिजनेस करता है उसमें जी जान से पूरी मेहनत करता है, कोई भी सर्विस करता है वो नहीं चाहता कि उसका मालिक यानी इमीडिएट बॉस उसको एक शब्द भी कुछ ऐसा कहे जो उसकी इच्छा के विपरीत हो, मगर कई बार अपने को सुनने को मिलता है। कारण क्या है उसका? कारण की जड़ में तीन बातें होती हैं। उन तीन बातों के कारण आपकी किस्मत काम नहीं करती, उन तीन बातों के कारण आपको डांट सुननी पड़ती है, उन तीन बातों के कारण आपकी नौकरी जा सकती है और उन तीन बातों के कारण आप बिजनेस में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं, आइए आज इसी वीडियो पर चर्चा करते हैं। यदि आप पुत्र हैं तो ये वीडियो अपने पिताजी को भेजिएगा, यदि आपके आप पिता हैं तो अपने पुत्र को, जो जवान पुत्र हैं नौकरी लगने के लायक हैं या पढ़ाई छोड़ करके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो भेजिएगा, क्योंकि ये बातें आपको यहां तक लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, जब आपका भाग्य साथ नहीं दे तब क्या करें, इसी प्रश्न पर आज बात होनी है। मैं कहना चाहूंगा, जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो हार्ड वर्क, कठोर मेहनत, कठोर किसको कहते हैं, जो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो, हार्ड हो, ऐसी मेहनत आपको करनी चाहिए। जिस बिजनेस में हैं आप, उस बिजनेस में आपको खूब अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तरीके से मेहनत करनी चाहिए और तीन सवाल अपने आप से आपको करने चाहिए। पहला सवाल कि कहां गलती हो रही है कि मैं प्रॉफिट गोट नहीं कर पा रहा हूं। तीन जगह गलती हो सकती है। आप परचेजिंग ऊंचे दामों में कर सकते हैं, आपको अनुभव नहीं होगा, या आप जहां से परचेज कर रहे हैं वो आदमी आपकी परचेजिंग प्राइस वो ज्यादा लगा रहा है, यानी प्रॉफिट वो कमा रहा है, आप बेच के कुछ नहीं कमा रहे। दूसरी बात, आपका सेल करने का तरीका गलत हो सकता है, वो बातें आप ग्राहक को नहीं बता पाते हैं, जो बातें आपने जो कंपोनेंट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की खासियतें आप नहीं गिना पा रहे हैं उनको, यानी आपका प्रस्तुतिकरण सही नहीं हो सकता है। और तीसरा, आप उधारी दे सकते हैं, उधारी के कारण आपका बिजनेस पीटता है। देखिए, पहली बार उधार लेने के लिए आपके पास ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, मगर दूसरी बार वो उधार वापिस रिकवर करने में आपको वर्षों लग जाएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। इसलिए मैं कहूंगा, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उधार एकदम से बंद कर दीजिए। कुछ लोग लिखे हुए रहते हैं यहां उधार बंद है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगले को यही कह दीजिए कि हम पेन भी नहीं रखते हैं, एक पेन जो लिखने के लिए चाहिए उधार लिखने के लिए वो पेन भी हमारे यहां अलाउ नहीं है, आप कैश देंगे हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे। एक बार आपकी बात थोड़ी कड़वी लगती है, क्योंकि नीम हमेशा कड़वा होता है, मगर नीम एक मेडिसिन के रूप में काम आता है और वो कई रोगों का इलाज करता है। उसी तरह कड़वी बातें आपको एक बार बुरी लग सकती हैं, आपके बिजनेस को एक बार बुरी लग सकती हैं। हो सकता है आपका ग्राहक तुरंत चला जाए और वो कह भी सकता है आपको कि यदि आप उधार नहीं देते तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। मगर दूसरी बार यदि आपके, मैंने जो पहले वीडियो में बताया था, इसी वीडियो में,
कि आप अपने प्रोडक्ट की खासियतें उनको गिना नहीं पाते हैं। जब आप उनके उनको अपने प्रोडक्ट की खासियतें बताएंगे तो ग्राहक अपने आप आने लग जाएंगे। तो पहली तो आपको हार्ड वर्क करनी है, और हार्ड वर्क में भी ये तीन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये दूसरा काम आपको कौन सा करना है, धीरज रखना है। धीरज यानी पेशेंस। देखिए, कोई भी बिजनेस आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर लीजिए, हार्डवेयर का कर लीजिए, सॉफ्टवेयर का कर लीजिए, स्टेशनरी का कर लीजिए, आयरन का कर लीजिए, रिपेयरिंग का कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कर लीजिए, रेडीमेड का कर लीजिए, मिठाई का कर लीजिए, कोई भी बिजनेस कर लीजिए आप, जो बिजनेस आपको करना है उनमें सब में आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि कोई भी आप नया बिजनेस करते हैं उसमें आपको 3 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, 3 ईयर्स। ध्यान दीजिए, 3 साल। पहले साल आपका बिजनेस रनिंग में आएगा, 1 साल आप पूरी मेहनत करेंगे, ग्राहकों को जोड़ना है, माल कहां से खरीदना है, माल किस ग्राहक को बेचना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं, और ये करते करते आपको 1 साल लग जाता है। पहली साल आपका वैसे ही निकल जाता है, 100 एंड 100 में आप रहते हैं। दूसरी साल यदि आपने पहली साल अच्छी मेहनत की है तो दूसरी साल आप थोड़ा सा प्रॉफिट में आना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको मैनेजरल स्टाफ भी चाहिए, अकाउंटेंट स्टाफ भी चाहिए, उगाई के लिए भी स्टाफ चाहिए। मैं मानता हूं कि आप उधार नहीं देते हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, या यूं कह सकते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए स्टाफ एक आदमी जरूर चाहिए, बिजनेस में 3 आदमी जरूर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको उनके खर्चे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी साल भी आपका नाम मात्र का प्रॉफिट आता है, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, और तीसरी साल आपका प्रॉफिट है वो पूरा बैठता है, जो आपने 7 से 8%, 10 से 12%, जो भी सोचा है वो प्रॉफिट आपका तीसरी साल मिलता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ता होगा। कहावत है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए चारी। ये रामायण की चौपाइयां हैं, मगर रामायण अपने इतिहास में, अपने जीवन में यदि आप कहीं उतार लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। उनमें हर बात को आपको बहुत ढंग से बताया गया है, बहुत तरीके से बताया गया है, बहुत सलीके से बताया गया है। केवल आपको कौन सी चीज कहाँ फिट करनी है ये सोचना पड़ता है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है आपको। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो आपको धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, धीरज रखना होता है, और उसी के हिसाब से काम करना होता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिए एक एक शब्द को। जब आदमी थोड़ा सा भी बीमार होता है और उसको रोड पे चलना होता है तो क्या करता है वो, ध्यान दीजिए। मेरी उम्र की बात है, 70 पार कर चुका हूं, और जब भी मैं रोड पे वॉकिंग करने सुबह घूमने निकलता हूं तो बड़ा अलर्ट मोड में रहता हूं। अलर्ट मोड से मतलब मेरा यह है कि 100 मीटर दूर से कोई गाड़ी की आवाज आ रही है तो मैं अलर्ट हो जाता हूं, ध्यान से देखता हूं पीछे मुड़ के कि गाड़ी या ट्रक आ रहा है, पिकअप आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, या कोई ऊंट गाड़ा आ रहा है। क्योंकि यदि मैं थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहा और अगले ने कहीं थोड़ी सी भी गलती कर दी तो डैमेज कौन होगा, मैं होऊंगा। तो इसलिए जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो ऑलरेडी आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उस समय आपको अलर्ट मोड में काम करना चाहिए, कहीं भी आपसे कोई चूक नहीं हो जाए। इस मोड में आपको काम करेंगे तो आपका भाग्य धीरे धीरे साथ देने शुरू हो जाएगा। और यूं तो मैं आपको बताना चाहूं इसमें तो एक नहीं सैकड़ों बातें होती हैं जब भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में, मगर समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आज के वीडियो में मैं मेरे शब्दों को यहीं विराम देता हूं और आने वाले वीडियो की तैयारी करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।